तो आप सबका स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल पे। और आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं एक जाने माने टिकटॉकर का, जिनका नाम है जी हाँ, किंग पोंग। तो ये वही टिकटॉकर है जिन्हें आपने मिठाई की दुकान पर देखा होगा मिठाई बेचते हुए। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते। गलत कहा आपने, मिठाई की दुकान हमारी हुआ करती थी और हम वहाँ मिठाई बेचते थे, लेकिन जब से YouTube ने हमें वायरल किया है तब से हम 200 के भाव में बिक चुके हैं। बेचना तो हमने छोड़ ही दिया। तो देखा आपने, इनकी बातें सुनकर लगता है इन्हें YouTube से काफी गहरा सदमा बैठा है। बहुत गहरा सदमा बैठा है हमें। ऐसे दिन ब दिन लॉकडाउन बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे भी रोस्ट वाले वीडियो YouTube पर बढ़ चुके हैं। तो जैसे आप इतने बड़े टिकटॉक स्टार बन चुके हैं, तो हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए। टिकटॉक की जर्नी आपने कैसे शुरू की और कब शुरू की? देखिए, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, हमें सिंगर बनने का बहुत शौक था, लेकिन घर वाले उसमें हमें सपोर्ट नहीं किए, बिल्कुल भी नहीं। एक वक्त ऐसा आ गया, हमने हमारा सपना पूरा करने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई तो आ गए, मुंबई आकर हमने दिन रात मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। उसके बाद हम हमारे गांव वापस गए और हमारे घर वालों को हमारा गाना सुनाया हमने। तब फैमिली वालों ने कहा कि बेटा आवाज़ तेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, एकदम बेकार है। काफी बुरा लगा होगा आपको। नहीं, रो गया मैं। देखे, फिर आपने क्या किया? उसके बाद क्या, फिर सिंगिंग तो मैंने तुरंत छोड़ ही दी। फिर मैंने सोचा कि आवाज खराब है लेकिन फेस वैल्यू तो हमारा बहुत अच्छा है, एक्टर बनेंगे। ये होता है जज्बा। तो हमने हमारे फोन में टिकटॉक डाउनलोड किया और टिकटॉक के ऊपर दिन रात मेहनत की, और आज उसका मुकाम ये है। तो देखा आपने कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, बहुत ही बेहतरीन जर्नी है आपकी। तुम्हें बताया कि ये YouTube आपसे इतना हेट क्यों करता है और आपको आपका कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत लगती है? देखिए, बात रही अगर कंटेंट की तो वह आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और कंटेंट की बात रही तो वह हमारे टिकटॉक पर है। कंटेंट यूट्यूब पे, कंटेंट टिकटॉक पे। उन्हें लगता है कि टिकटॉक बनाना बहुत ही आसान और बेकार काम है, 15 सेकंड की वीडियो चुटकियों में बन जाती है, लेकिन नहीं, मुझे एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में लगते हैं 4 घंटे, और उसके बाद एडिटिंग करने में अलग फटती है, म्यूजिक डालने में अलग फटती है, पोस्ट करने में अलग फटती है। तो आपने सुना किंग पोंग जी ने जैसे कहा, एक वीडियो बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, और इन सब चीजों को मिला के बनता है एक टिकटॉक स्टार। आपका कोई प्लान है बॉलीवुड में आने का? यही चीज के लिए तो मेरे फैंस भी रुके हैं, वो चाहते कि मैं बॉलीवुड में जल्द से जल्द कदम रखूं। ये बात फिक्स है कि आप बॉलीवुड में आने वाले हो? अरे मेरे फैंस साफ साफ लिखा है उन्होंने कमेंट में, आप पढ़ लीजिए। देखना, वो कमेंट एक बड़ा डायरेक्टर पढ़ेगा और मुझे बॉलीवुड में चांस दे देगा। आपकी बातें साफ साफ बयां कर रही हैं कि आपको एक्टिंग बहुत ही अच्छे से आती है। अरे मैंने हर एक गाने पर लिपसिंग करना सीख चुका हूँ। देखा आपने किंग पोंग जी ने कैसे बयां किया उनके जर्नी के बारे में। तो ये होता है एक रियल टिकटॉकर का जज्बा, जिद और मेहनत 4 घंटे की। तो इसी के साथ हम हमारा इंटरव्यू एंड करते हैं। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।